क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? नमस्कार, न्यूज फोनेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जान से जुट गए। लगातार रैली पर रैली कर एनडीए के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। आज भी उनकी बैक टू बैक कई रैलियां होनी थी समस्तीपुर में, जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एक तरफ जहां उन्होंने नीतीश कुमार के तारीफों के पुल बांधे, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर हमला भी किया। उन्होंने परिवारवाद पर सवाल किया और ये कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाई को आपने राज्यसभा जाते देखा है क्या? उनके बेटे को राज्यसभा का टिकट मिला है क्या? या फिर उनके चाचा मामा को राज्यसभा का दरवाजा देखा, या फिर उनके चाचा मामा राज्यसभा पहुंचे हैं क्या? ये लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग हैं, जनता को अवसर देते। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग जनता को अवसर देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब देंगे आप? जवाब देंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के महान देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? देशभक्त नेता थे कि नहीं थे? सरदार सामने देश को एक किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? सरदार साहब देश के लिए जिए कि नहीं जिए? सरदार साहब ने पूरा जीवन सिर और सिर्फ देश के लिए लगाया कि नहीं लगाया? सरदार साहब कांग्रेस पार्टी के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? फिर भी कांग्रेस पार्टी एक परिवार में ऐसी सिमट गई है, ऐसी सिमट गई है, कल सरदार साहब जैसे महापुरुष का जन्म जयंती थी, लेकिन इस परिवार ने उन्हीं के कांग्रेस के नेता रहे हुए देश के महापुरुष सरदार साहब को स्मरण करने में भी इनके पेट में चूहे दौड़ने लगे। भाई, ये परिवारवाद, सरदार साहब न भाजपा के थे, न आरएसएस के थे, न जनसंघ के थे, लेकिन इस मां के लाल थे, मां भारती के लाल थे। उनका गौरव गान करना 130 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता है। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के लिए काम कर रही इन पारिवारिक पार्टियों ने आपको क्या दिया? ये बड़े बड़े बंगले बने तो किसके बने? ये महल बने तो किसके बने? सिर्फ और सिर्फ ये परिवार पार्टियों के मुखियाओं के ही बने हैं। बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियां आई, गाड़ियों को काफिला बना, गाड़ियां पार्क करने की जगह नहीं बची उनके घरों में, उनका बना। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लोगों को हर बार टिकट दिया। क्या नीतीश बाबू के कोई भाई राज्यसभा में पहुंचे हैं क्या? उनका कोई बेटा बेटी पहुंचा है क्या? उनके चाचा मामा पहुंचे हैं क्या? लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोग जनता को अवसर देते हैं। क्या मोदी का कोई रिश्तेदार कहीं पहुंचा है क्या? भाई, आपने कहीं देखा है क्या? क्योंकि हम आपके लिए जिंदा है, आपके लिए जान लगाते हैं जी, हम हमारे लिए पैदा नहीं हुए हैं।